मुख्यमंत्री ने, ना राज्यसभा सांसद ने, ना उनके किसी विधानसभा जो चुन के आए क्या नाम अपना विधायक है उनमें से या किसी बड़े नेता ने एक बार भी इस मुद्दे को ना तो उठाया, ना उसकी जानकारी दी, ना अपने मन से ये कहा कि 6 साल की बच्ची के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ, जो इतना घृणा वाला काम हुआ उसमें वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा 6 साल की बच्ची तक, जब तक यही सड़क पर हम निकलेंगे और घटना जितनी भी होगी उसके साथ हम लड़की और माँ के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं। उत्तराखंड में बहुत ही शर्मनाक ही हरकत हुई है, एक 6 साल की बच्ची साथ बलात्कार हुआ है। कि जिले की या प्रदेश की इस वक्त स्थिति क्या है क्या नहीं है, ना तो मुख्यमंत्री ने, ना राज्यसभा सांसद ने, ना उनके किसी विधानसभा जो चुन के आए क्या नाम अपना विधायक है उनमें से या किसी बड़े नेता ने एक बार भी इस मुद्दे को ना तो उठाया, ना उसकी जानकारी ली, ना अपने मन से ये कहा कि 6 साल की बच्ची के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ, जो इतना घृणा वाला काम हुआ उसमें वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या उसकी कोई उसकी देखभाल की जा रही है नहीं की जा रही है, उन्होंने किस बारे में ना तो कोई जानकारी करी, ना उन्होंने इस बारे में कोई बोला। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है कि हमने ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो इन चीज़ों को दरकिनार करके चल रहा है, केवल मान सम्मान और अपने सम्मान समारोह पर ध्यान दे रहा है। देखिए आज हमने पुतला दहन जो किया है सरकार का किया है, बीजेपी सरकार का, और जो हमारे मुख्यमंत्री है धामी का उनका किया है, और इसलिए किया है कि जब 6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है इस शहर की और इस पूरे जिले की या इस पूरे प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा जा रहा है, तो इसी वजह से हमने पुतला दहन किया है। और हमने आज घोषणा की है महानगर कांग्रेस की तरफ से कि हम पुलिस अधिकारियों को 10,000 रुपये का इनाम देंगे, वो जितनी जल्दी इस मुकदमे को खोलेगी और उन लोगों को फांसी तक ले जाने का काम करेगी। हम रोज रोड पे आएंगे, हम रोज पुतला दहन करेंगे और इस पे प्रेशर बनाएंगे सरकार पे कि वो जल्दी से जल्दी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इस केस को खोले और जितने अभियुक्त हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी करें। ये भाजपा की सरकार जो है सिर्फ झूठ बोलने का काम, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना। कई मोदी सरकार ने एक बात नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज कहाँ 6-6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, भाजपा है कांग्रेस के टाइम में बता दो 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ आज, और जितने इनकी सरकार में हो रहे किसी की सरकार में नहीं हुआ, फिर हटती रहती है। हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा 6 साल की बच्ची तक, जब तक यही सड़क पर हम निकलेंगे और घटना जितनी भी होगी उसके साथ हम लड़की और माँ के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे, उन्हें अवगत भी करा चुका था, वहाँ पे हेलीपैड पे भी कराया था, कहेंगे इंसाफ मिलेगा। जब हमने देखा मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बच्चे के बारे में नहीं कहा, तो अब हम सड़क पर निकले और पुतला दहन करे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा जी के निर्देश पे, हमारे प्रभारी हमारे जो है देवेंद्र यादव जी के निर्देश, हरीश रावत जी जो हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उनके उस पर, हमारे पूर्व हमारे जो है प्रीतम सिंह जी के निर्देश पे, हमारे जितने हैं यशपाल आर्य जी के निर्देश पे जो प्रतिपक्ष नेता हैं उनके निर्देश पे आज हम पुतला दहन करेंगे और जब तक हम इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। भाजपा सरकार जो नारा लगाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटियाँ पढ़ रही हैं और कहाँ बच रही हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर एक मिनट बाद महिलाओं साथ बलात्कार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें सजा देने पर ये नाकाम सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप देख रहे हैं कितने हथकंडे अजमा रही है। आज हमारे उत्तराखंड में बहुत ही शर्मनाक ही हरकत हुई है, एक 6 साल की बच्ची साथ बलात्कार हुआ है और अब तक की उसकी कोई गिरफ्तार नहीं हुई है, उसी विरोध में लेकर हम यहाँ पुतला दहन के हैं। हम उत्तराखंड सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उस पापी को सजा मिली जाए और उसे गिरफ्तारी हो।